जय श्री राधे। श्री चैतन्य चरितावली के इससे पूर्व के भाग में आपने शची माता और गौरहरि के बीच हुए भावी वियोग जन्य दुख के वार्तालाप का श्रवण किया। अब आगे विष्णुप्रिया और गौरहरि। श्रीमद् भागवत 10:39-39 में आया है, यस्य अनुराग ललित स्मित वल्ग मंत्र लीलावलोक परिरम्भण रासगोष्ठ्याम नीतः एष्मनेह क्षणमेव क्षणदा विनातम गोप्यः कथम नोतित रेम तमोदुरंतरम। गोपियां परस्पर में कह रही हैं, हाँ, जिन श्री कृष्ण के स्नेह के साथ खिले हुए सुंदर मंद मंद हास्य युक्त मनोहर मुख को देखकर और उनके सुमधुर वचनों को सुनकर तथा लीला के सहित कुटिल कटाक्षों से उनकी मंद मंद चितवन और प्रेमालिंगनों द्वारा रास क्रीड़ा में हमने बहुत सी बड़ी बड़ी निशाएं एक क्षण के समान बिता दी। ऐसे अपने प्यारे श्री कृष्ण के बिना हम इस दुसह विरह जन्य दुख को कैसे सहन कर सकेंगी? इसका सहन करना तो अत्यंत ही कठिन है। पितृग्रह से जिस दिन विष्णुप्रिया पतिग्रह में आई थी, उस दिन प्रभु भक्तों के साथ कुछ देर में गंगा जी से लौटे थे। आते ही भक्तों के सहित प्रभु ने भोजन किया। भोजन के अनंतर सभी भक्त अपने अपने स्थानों को चले गए। प्रभु भी अपने शयन गृह में आकर शैया पर लेट गए। इधर विष्णुप्रिया का हृदय धक धक कर रहा था। उनके हृदय सागर में मानो चिंता और शोक का बवंडर सा उठ रहा था। एक के बाद एक विचार आते और उनकी स्मृति मात्र से विष्णुप्रिया कांपने लगती। ऐसी दशा में भूख प्यास का क्या काम? मानो भूख प्यास तो शोक और चिंता के भय से अपना स्थान परित्याग करके भाग गई थी। प्रातःकाल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। पति के निकट बिना कुछ प्रसाद पाए जाना अनुचित समझकर उन्होंने प्रभु के उच्छिष्ट पात्रों में से दो चार गिलास अनिच्छा पूर्वक माता के आग्रह से खा लिए। उनके मुख में अन्न भीतर जाता ही नहीं था। जैसे तैसे कुछ खा पी कर वे धीरे धीरे पति देव की शैया के समीप पहुंची। उस समय प्रभु को कुछ निद्रा सी आ गई थी। दुग्ध के स्वच्छ और सुंदर झागों के समान सुकोमल गद्दे के ऊपर बहुत ही सफेद वस्त्र बिछा हुआ था। दो झालरदार स्वच्छ सफेद कोमल तकिए प्रभु के सिरहाने रखे हुए थे। एक बांह तकिए के ऊपर रखी थी, उस पर प्रभु का सिर रखा हुआ था। कमल के समान दोनों बड़े बड़े नेत्र मुदे हुए थे। उनके मुख के ऊपर घुंघराली काली काली लटें छिटक रही थी, मानो मकरंद के लालची मत मदपों की काली काली पंक्तियां एक दूसरे का आश्रय लेकर उस अनुपम मुख कमल की मन मोहक मधुरमा का प्रेम पूर्वक पान कर रही हूँ। अर्धनिद्रित समय के प्रभु के श्रीमुख की शोभा को देखकर विष्णुप्रिया जी ठिठक गईं। थोड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिर्वचनीय अनुपम आनंद की अद्भुत आभा को निहारती रहीं। उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी। धीरे से वे प्रभु के पैरों के समीप बैठ गईं और अपने कोमल करों से सनेहे सनेहे प्रभु के पाद पद्मों के तलवों को सुहराने लगीं। उन चरणों की कोमलता अरुणता और सुकुमारता को देखकर विष्णुप्रिया जी का हृदय फटने लगा। वे सोचने लगी, हाय, प्राण प्यारे, इन सुकोमल चरणों से कंठ का कीर्ण पृथ्वी पर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सकेंगे? तपाए हुए स्वर्ण के रंग के समान यह राजकुमार का सा सुकुमार शरीर संन्यास के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेगा? इन विचारों के आते ही विष्णुप्रिया जी के नेत्रों से मोतियों के समान अश्रुबिंदु झड़ने लगे। चरणों को गर्म बिंदुओं के स्पर्श होने से प्रभु चौंक उठे और तकिए से थोड़ा सिर उठाकर उन्होंने अपने पैरों की ओर निहारा। सामने विष्णुप्रिया को देखकर प्रभु थोड़े उठ से पड़े। आधे लेटे ही लेटे प्रभु ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो? तुम्हें यह क्या हो गया है? रोते रोते अत्यंत क्षीण स्वर में सुबकियाँ भरते हुए विष्णुप्रिया जी ने कहा, अपने भाग्य को रो रही हूँ कि विधाता ने मुझे इतनी सौभाग्यशालिनी क्यों बनाया। प्रभु ने कुछ प्रेम विस्मित अधीरता सी प्रकट करते हुए कहा, बात तो बताती नहीं, वैसे ही सुबकियां भर रही हो, मालूम भी तो होना चाहिए क्या बात है।
उसी प्रकार रोते रोते विष्णु प्रिया जी बोली, मैंने सुना है आप घरवार छोड़कर सन्यासी होंगे, हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुमसे यह बेसिर पैर की बात किसने कही? विष्णु प्रिया जी ने अपनी बात पर कुछ जोर देते हुए और अपना स्नेह अधिकार जताते हुए कहा, किसी ने भी क्यों न कही हो, आप बतलाइए क्या यह बात ठीक नहीं है? प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कुछ कुछ ठीक है। विष्णु प्रिया जी पर मानो वज्र गिर पड़ा, वे अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक हाथ का सहारा देते हुए उठाया और प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए वे बोले, तभी तो मैं तुमसे कोई बात कहता नहीं, तुम एकदम अधीर हो जाती हो। हाय, उस समय की विष्णु प्रिया जी की मनोवेदना का अनुभव कौन कर सकता है? उनके दोनों नेत्रों में से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रही थी। उसी वेदना के आवेश में रोते रोते उन्होंने कहा, प्राणनाथ, मुझ दुखिया को सर्वथा निराश्रय बनाकर क्या आप सचमुच चले जाएंगे? क्या इस भाग्यहीना अबला को अनाथिनी ही बना जाएंगे? हाय, मुझे अपने सौभाग्य सुख का बड़ा भारी गर्व था। ऐसी त्रैलोक की सुंदर जगत वंदे अपने प्राण प्यारे पति को पाकर मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी समझती थी, जिसके रूप लावण्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी मुझसे ईर्ष्या करती थीं। नवदीप की नारियां जिस मेरे सौभाग्य सुख की सदा भूरी भूरी प्रशंसा किया करती थीं, वे ही कालांतर में मुझे भाग्यहीन सी द्वार द्वार भटकते देखकर मेरी दशा पर दया प्रकट करेंगी। मैं अनाथनी अब किसकी शरण जाऊंगी? मेरी जीवन नौका का डाण अब कौन अपने हाथ में लेकर खेपेगा? पति ही स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान है, पति के बिना स्त्रियों को और दूसरी गति हो ही क्या सकती है? प्रभु ने विष्णु प्रिया जी को समझाते हुए कहा, देखो संसार में सभी जीव प्रारब्ध कर्मों के अधीन हैं। जितने दिन तक जिसका जिसके साथ संस्कार होता है वह उतने ही दिन तक उसके साथ रह सकता है। सबके आश्रयदाता तो वे श्री हरि ही हैं। तुम श्री कृष्ण का सदा चिंतन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जाने का तनिक भी दुख न होगा। रोते रोते विष्णु प्रिया जी ने कहा, देव, आपके अतिरिक्त कोई दूसरे श्री कृष्ण हैं? इसे मैं आज तक जानती ही नहीं और न आगे जानने की ही इच्छा है। मेरे तो ईश्वर, हरे और परमात्मा जो भी कुछ हैं आप ही हैं। आपके श्री चरणों के चिंतन के अतिरिक्त दूसरा चिंतनीय पदार्थ मेरी दृष्टि में है ही नहीं। मैं आपकी चरण सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ और मुझे किसी प्रकार के संसारी सुख की इच्छा नहीं है। प्रभु ने कुछ अधीरता प्रकट करते हुए कहा, प्रिय, मैं सदा से तुम्हारा हूँ और सदा तुम्हारा रहूँगा। तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम कभी भुलाया जा सकता है? कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो तुम जैसी सर्वगुण संपन्ना जीवन की सहचरी का परित्याग करने की मन में इच्छा भी करेगा? किंतु विष्णु प्रिय, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। जीवों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जा सकता। मैं संसारी होकर और घर में रहकर जीवों का उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। जीवों के लिए मुझे शरीर से तुम्हारा त्याग करना ही होगा। मन से तो तुम्हारा प्रेम कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुम निरंतर विष्णु चिंतन करती हुई अपने नाम को सार्थक बनाओ और अपने जीवन को सफल करो। बहुत ही अधीर स्वर में विष्णु प्रिया जी ने कहा, मेरे देवता, यदि जीवों के कल्याण में मैं ही बाधक रूप हूँ तो मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श करके कहती हूँ कि मैं सदा अपने पितृगृह में ही रहा करूँगी। जब कभी आप गंगा स्नान को जाया करेंगे तो कहीं से छिपकर दर्शन कर लिया करूंगी। माता को तो कम से कम आधार रहेगा। खैर, मैं तो अपने हृदय को वज्र बनाकर उस पहाड़ जैसे दुख को सहन कर भी लूं, किंतु उन वृद्धा माता की क्या दशा होगी? उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है। उनका जीवन तो एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है। वे आपके बिना जीवित न रह सकेंगी। निश्चय ही वे आत्मघात करके अपने प्राणों को गवा देंगी। प्रभु ने कुछ रुंधे हुए कंठ से रुक रुक कर कहा, सबके आगे पीछे वे ही श्री हरि हैं। उनके सिवाय प्राणियों का दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता।
प्राण मात्र के आश्रय वे ही हैं, उनके स्मरण से सभी का कल्याण होगा। प्रिय, मैं विवश हूँ, मुझे नवदीप को परित्याग करके अन्यत्र जाना ही होगा। संन्यास के सिवाय मुझे दूसरे किसी काम में सुख नहीं। तुम सदा से मुझे सुखी बनाने की ही चेष्टा करती रही हो। तुमने मेरी प्रसन्नता के निमित्त अपने सभी सुखों का परित्याग किया है। जिस बात में मैं प्रसन्न रह सकूं, तुम सदा ऐसा ही आचरण करती रही हो। अब तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती हो? यदि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ रहने का आग्रह करोगी तो मुझे सुख न मिल सकेगा। रही माता की बात, सो उनसे तो मैं अनुमति ले भी चुका और उन्होंने मुझे संन्यास के निमित्त आज्ञा दे भी दी। अब तुमसे ही अनुमति लेनी और शेष रही है। मुझे पूर्ण आशा है तुम भी मेरे इस शुभ काम में बाधा उपस्थित न करके प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दोगी। कठोर हृदय करके और अपने दुख के आवेग को बलपूर्वक रोकते हुए विष्णुप्रिया ने कहा, यदि माता ने आपको संन्यास की आज्ञा दे दी है तो मैं आपके काम में रोड़ा न अटकाऊंगी। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। आप जिस दशा में भी रहकर प्रसन्न हो वही मुझे स्वीकार है, किंतु प्राणेश्वर मुझे हृदय से न भुलाइएगा। आपके श्री चरणों का निरंतर ध्यान बना रहे ऐसा आशीर्वाद मुझे और देते जाइएगा। प्रसन्नता पूर्वक तो कैसे कहूँ, किंतु आपकी प्रसन्नता के सम्मुख मुझे सब कुछ स्वीकार है। आप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, स्वतंत्र हैं और पतितों के उद्धारक हैं। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। स्वामी के सुख के निमित्त दासी सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु मेरा स्मरण बना रहे यही प्रार्थना है। प्रभु ने प्रिया जी को प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए कहा, धन्य है, तुमने एक वीर पत्नी के समान ही यह बात कही है। इतना साहस तुम जैसी पतिपरायणा सती साध्वी स्त्रियां ही कर सकती हैं। तुम सदा मेरे हृदय में बनी रहोगी और अभी मैं जाता थोड़े ही हूँ, जब जाना होगा तब बताऊंगा। इस प्रकार प्रेम की बातें करते करते ही वह संपूर्ण रात्रि बीत गई। प्रातःकाल प्रभु उठकर नित्य कर्म के लिए चले गए। इस भाग में इतना ही। अब प्रेम पूर्वक सभी भक्तों का, विष्णुप्रिया जी का, नित्यानंद जी का, शची माता का और गौर हरि का स्मरण करते हुए गदगद कंठ के साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।